नमस्कार दोस्तों, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। आप देख रहे हैं क्राइम 80 न्यूज, खबर दिन भर की। चलिए आपको दिखाते हैं बड़ी खबर, जो पूरी खबर दिखाएंगे आपको तस्वीरों और वीडियो के। चित्रकूट से बड़ी खबर, सड़क हादसा के बाद जागा चित्रकूट प्रशासन। ओवरलोड और अनियंत्रित वाहनों के खिलाफ चलाया गया चेकिंग अभियान। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर TI साहब की मेहनत लाई रंग। वहीं वाहनों में सीट बेल्ट, फॉरेस्ट बॉक्स और अधिक सवारियों पर पालन दिखने लगा है। आपको तहे दिल से सलाम। पुलिस के लिए एक सुझाव, यदि चौराहे पर CCTV पुनः चालू हो जाए या लगवा दिए जाए तो कई तरह की चोरी, छेड़खानी और टैक्सी आदि वाहनों पर कंट्रोल रूम बनाकर नज़र रखी जा सकती है। किसी भी हरकत या कानून का उल्लंघन होने पर तत्काल उस पर काबू पाया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर चेकिंग अभियान की जा रही है। वहीं जिसमें विशेष रूप से तीन पहिया वाहन में निर्धारित सीट के अतिरिक्त लगी हुई सीट को निकलवाने हेतु निर्देशित किया गया था, तथा स्कूली वाहनों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें आज जनपद में कई सैकड़ों वाहनों को चेक किया गया, जिसमें टैक्सी वाहन से पायदान सीट निकाली गई एवं वाहनों का चलान किया गया, जिसमें वाहन में संबंध शुल्क वसूला गया। वहीं कुछ वाहन सीज भी किए गए, तथा एक व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसका धारा 151 CRPC में चलान भी किया गया। ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बांदा चित्रकूट जिले से ब्यूरो दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।